तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होगा। वैक्सीनेशन 18 से ऊपर वाले लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। बिहार में कोरोना की रफ्तार जारी, राज्य में लग सकता है लॉकडाउन। आज सीजीएम की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने अशोका होटल में कोविड सेंटर बनाने का आदेश किया रद्द, हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार। असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज झटके, 6.4 रही तीव्रता, कई इमारतों में पड़ी दरार। एनबी न्यूज़ देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि भारत में वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था और ऐसे में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होगा। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया कि वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आप वेबसाइट covin.gov पर जा सकते हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ऐसे में तीसरे चरण का 1 मई से वैक्सीनेशन किया जाएगा। बता दें कि भारत में वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था और यहां तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया कि वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहें। बता दें आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आप वेबसाइट covin.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 साल की उम्र से सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो यहां गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि आज से वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है तो यहां ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे और इसी के तहत आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन प्लेटफॉर्म पर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। भारत में वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था और ऐसे में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होगा। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि अब वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग तैयार रहें। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आप वेबसाइट covin.gov पर जा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं और अब ठाणे के प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में आग लगी है। आपको बता दें कि ये आग सुबह लगी थी और यहां आग लगने के बाद आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाने लगा और इस दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ठाणा महानगर पालिका के एक अफसर ने बताया कि आज सुबह 3:40 पर ठाणे के मुमरा में प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लग गई और बताया जा रहा है कि 2 दमकल और 1 बचाव वाहन घटनास्थल पर है और आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है और दूसरे अस्पताल में मरीजों की शिफ्टिंग के दौरान 4 की मौत हो गई। और इससे बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मुंबई से सटे विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी तो यहाँ हाल ही में एक बड़ा हादसा भी हुआ था और बताया जा रहा है कि अस्पताल में 17 कोरोना मरीज ICU में थे जिसमें से 14 की मौत हुई थी और यहाँ आग लगने के समय पूरे अस्पताल में कुल 90 मरीज थे और 3 ICU मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। महाराष्ट्र के अस्पतालों में लगातार हादसे हो रहे हैं
और ये बेहद ही चिंता का विषय है। और ऐसे में विरार में आग से पहले नासिक महानगर पालिका द्वारा संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल की ऑक्सीजन टैंक लीक हो गई और इसी को रोकने के लिए मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और इस वजह से 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई जो वेंटिलेटर पर थे। आपको बता दें महाराष्ट्र ठाणे में अस्पताल में आग लगी है तो यहां इस हादसे में 4 मरीजों की मौत बताई जा रही है। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके सारे पेशेंट्स को बाहर निकाला पहले उन्होंने, और मैंने अभी मेरे डैडी को मैंने सामने शिफ्ट किया है बिलाल हॉस्पिटल में, तो अभी उनका डायबिटीज़ ओके है, 130 डायबिटीज़ है, तो वो अभी मीन्स अभी ओके है। और इस दुर्घटना बिकॉज इट्स अ वन काइंड ऑफ एक्सीडेंट, वी कैन नॉट से दैट की मीन्स की बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट के पीछे जो है यहाँ पे जो आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण लगी जैसे लोग बता रहे हैं, और हमने भी वहाँ पे जाके देखा। अभी मैं मेरे डैडी के सारे सामान लेके आ रहा हूँ, तो मीन्स एवरीथिंग मतलब फायर हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब जो खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में आग लगी है और बताया जा रहा है कि अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अजी साधना, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि मुंबई से सटे ठाणे शहर के मुमरा इलाके की घटना है, जहां पर प्राइम क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में सुबह 3:30 बजे के दरमियान जो है ये आग की घटना वहां पर घटी है। सर्किट से आग लगने की बात कही गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई स्टेटमेंट महानगर पालिका या फायर ब्रिगेड या फिर लोकल पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से आगजनी की घटना वहां पर घटी उसमें लोग कुछ समझ पाते, अस्पताल प्रबंधन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही 4 लोग जो है वो मौत की गाल में समा गए और जो लोग थे उन्हें वहां से निकाला गया। कुछ लोगों को नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 2 से 4 लोगों की हालत काफी चिंताजनक थी, जिन्हें आईसीयू की जरूरत थी उन्हें आईसीयू अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं इस घटना के बाद मानो के अस्पताल के अंदर जो परिजन के बाहर जो खड़े थे, जो उनके लोग अंदर एडमिट थे, उनमें काफी हड़कंप का माहौल था। घटना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड और मनपा कर्मियों द्वारा आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। आग कूलिंग का काम चल रहा है, देखना होगा कि और क्या कुछ मामला इसमें जांच में निकल करके आ पाता है, क्योंकि अभी तक इसे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। साधना, मुरारी आपसे जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और किस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, पूरी जानकारी दें। देखिए, मुंबई से सटे ठाणे शहर के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम का जो सरकारी अस्पताल है, कुछ लोगों को वहां पर शिफ्ट किया गया है और कुछ लोगों को ही मुमरा के ही प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम में एडमिट किया गया है, जहां पर उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस आगजनी में अभी भी 2 से 4 लोग ऐसे हैं जो जख्मी है, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि अस्पताल की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से देर रात में घटना घटी है उसमें जो जनहानि हुई है उसके साथ साथ अस्पताल में भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वेंटिलेटर से लेकर के ऑक्सीजन और एसी वार्ड में घटना घटी हुई है। इसे लेकर के भी अस्पताल प्रशासन के साथ पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी मुरारी, जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए साधना, जो घायल है उन्हें नजदीक के सरकारी अस्पताल में जो है कि कलवा में एडमिट कराया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें मुमरा में एडमिट किया गया है, वहां पर इनका इलाज चल रहा है। कुछ ऐसे पेशेंट थे जो शुगर बीपी और डायबिटीज के पेशेंट थे, जिन्हें वहां पर 2 से 4 दिन पहले एडमिट किया गया था उन्हें। चलिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण से हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं और ऐसे में इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को 9 सबसे संक्रमित जिलों में 9 न्यायिक अधिकारियों को नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं और ये अधिकारी कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट देंगे। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस फैलने और आइसोलेशन सेंटर की स्थिति को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बड़ा निर्देश दिया है।
तो आपको बता दें कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि हर जिले में सभी सरकारी कोविड 19 अस्पतालों और संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित निजी अस्पतालों और कोविड 19 केंद्रों में हर व्यक्ति की मौत की सूचना एक न्यायिक अधिकारी को दी जाए, जिसकी नियुक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, झांसी के जिला न्यायाधीशों से एक एक न्यायिक अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया है, जो अपने अपने जिलों में नोडल अधिकारी के तौर पर काम करेंगे और ये हर सप्ताह महानिबंधक की रिपोर्ट करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख 3 मई 2021 को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। उधर आईटीबीपी के 149 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन सभी जवानों को छतरपुर के राधास्वामी कैंट स्थित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है और इन जवानों के लिए ऑक्सीजन की कमी न पड़े इसके लिए दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा गया है। तो यहां कोविड केयर सेंटर की ओर से कहा गया है कि यहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज हैं लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है और इसीलिए दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जाए, जिसे केंद्र की क्षमता को भी बढ़ाया जा सके और अब तक की सबसे अधिक संख्या बताई जा रही है। देश भर में कोरोना को लेकर स्थिति काफी ही गंभीर होती जा रही है और ऐसे में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही नजर आ रहा है और लोगों में खौफ का माहौल दिखाई दे रहा है। तो यहां परिजनों में कोरोना संक्रमण का खौफ इस कदर रहा कि एक घर के बाहर 15 घंटे तक शव पड़ा मिला। मामला ओडिशा के बरगढ़ जिले पदमपुर क्षेत्र के जमूता बहाल गांव का है। बताया जा रहा है कि जहां करीब 15 घंटे तक एक व्यक्ति का शव घर पर पड़ा रहा। मृतक 5 दिन पहले तमिलनाडु से लौटा और उसे बुखार बताया गया। उसकी स्थिति बिगड़ने के बाद ग्रामीणों ने उसे एम्बुलेंस को बुलाया। तो यहां ग्रामीणों ने एक एम्बुलेंस को बुलाया लेकिन कुछ समय बाद में उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार करने कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया और उसे डर था कि उसकी मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है। तो यहाँ इसके चलते 15 घंटों तक शव घर पर पड़ा रहा और ऐसे में बाद में सूचना पाने पर घासी लोट बीडीओ निरंजन साह और तहसीलदार पुष्पक प्रधान मौके पर पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल के लिए यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ब्रेक द चेन के तहत बाजार खुलने और अनावश्यक बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। तो यहां बताया जा रहा है कि लगातार महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन लागू किया गया है और ऐसे में पूरे राज्य में यहाँ सख्ती की गई है। मुंबई जिसके कारण सुनसान पड़ी सड़कों की ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें पिछले साल लगे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की यादें एक बार फिर ताजा कर रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट बरकरार है लेकिन मुंबई में बीते दिन के आंकड़े कुछ राहत देते नजर आए। मुंबई में पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए केसों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है और ऐसे में राज्य में लगाए गए मिनी लॉकडाउन का कुछ असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 524 मरीजों की जान भी गई है। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने आदेश दिया कि जिन लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखा गया उन लोगों को तुरंत आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। तो यहां इस दौरान उल्लंघनकर्ता को अपने मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर भी देना होगा और कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी घर से बाहर निकलते हैं उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहां जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है और यह आदेश उन 12 जिलों में लागू किया गया जो खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
मध्य प्रदेश के किसान चंपालाल गुर्जर ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए कड़ी मेहनत के कमाए हुए 2 लाख रुपए कोविड-19 के गंभीर मरीजों के वास्ते 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने के लिए नीमच जिला प्रशासन को दान दे दिए। आपको बता दें कि चंपालाल मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जीरन तहसील के छोटे से गांव गवाल देवियां का रहने वाला है। तो यहां ये गांव नीमच जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर है। उन्होंने 2 लाख रुपए नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल को चेक द्वारा सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि इन रुपयों से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे तो यहां एक जिला अस्पताल नीमच को दिया जाएगा और दूसरा अस्पताल को दिया जाएगा। हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से करें। वैसे मेरी भी इच्छा बहुत समय से थी कि अपनी बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँ। इसके लिए मैं बहुत काफ़ी समय से प्रयासरत था और तैयारी भी कर रहा था, परंतु वर्तमान हालात को देखते हुए जब ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है विश्व में क्षेत्र में अपने क्षेत्र में, इसको देखते हुए हमने शादी बिल्कुल ही कैंसिल कर दी। सांकेतिक रूप से केवल अपने परिवार के सदस्यों से शादी करने का निर्णय लिया। जब मैंने इस विषय में घर में चर्चा की बच्चों से तो इन्होंने कहा कि ये पैसा अपने को धर्म में लगाना चाहिए। फिर इन्हीं घर में राय लेने के बाद मैंने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया है कि हम लोग 1 लाख रुपए जिरण हॉस्पिटल के लिए और 1 लाख रुपए नीमच हॉस्पिटल के लिए समर्पित करते हैं, दोनों ही जगह ऑक्सीजन मशीन क्रय करने के लिए। तो बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं इसके माध्यम से इन बच्चियों के माध्यम से और बाकी सब लोग को भी यही कहना चाहूँगा, इस समय मतलब पूरा देश ही इस महामारी से लड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दिक्कत बेड्स की है, ऑक्सीजन की है, कुछ दवाइयों की है, तो जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं उस चीज़ में हमें आगे आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है बच्चियों की और बच्चियों ने कहा भी, जो बच्ची आई थी, मतलब इसमें आप हम चाहेंगे कि बच्चों ऑक्सीजन की इसमें हो तो हम लोग भी उसमें ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स जो लिए जा सकते हैं वो तुरंत ले लेंगे। उधर यूपी के अमेठी में मतदान के बाद बुजुर्ग को पीट कर मामला सामने आया है। तो यहाँ बुजुर्ग को पीटने का मामला सामने आया है और ऐसे में जिसे गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया और यहाँ आरोपियों की गिरफ्तारी की। ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग को पीट कर घायल किया गया था जिससे इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई और हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया है। उधर रेवाड़ी शहर का जैन समाज एक बार फिर इंसानियत की मिसाल बनकर सामने आया है। समाज ने प्रशासन की एक आवाज में अपने जैन हाई स्कूल के भवन को देखते ही देखते कोविड-19 सेंटर में तब्दील कर दिया ताकि कोरोना पीड़ितों का सही इलाज हो पाए। और इस मौके पर जैन एजुकेशन बोर्ड के प्रधान प्रदीप जैन ने कहा कि यह समय मानवता और इंसानियत की गरिमा को बचाए रखने का है। अगर आज भी इंसान के काम नहीं आ रहा तो फिर धर्म कर्म करते ही खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ हम सभी को मिलकर इस महामारी से जंग जीतने के लिए मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि इस आपातकालीन कोविड-19 अस्पताल में 100 बेड लगाए गए हैं और जिन सभी 100 बेडों पर ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था मुहैया करवाई गई है। बेड का हॉस्पिटल बना है सर। क्या है कि जैन समाज का एक ही उद्देश्य जियो और जीने दो। पहले जब आपदा आई थी सबसे पहले जैन समाज स्कूल ही ऐसा था जिसने ऑफर खुद खरी थी प्रशासन को कि हमारा स्कूल ले लो, तो हमने पूरी बिल्डिंग यहाँ दी थी। लगभग 1.5 महीने के करीब यहाँ पर लोग रुके थे, पूरी व्यवस्था समाज ने की थी। और अब दोबारा आपदा आई तो SDM महोदय का फ़ोन मेरे पास आया कि आपका एक स्कूल चाहिए। हमने तुरंत प्रभाव से अपना स्कूल खोल दिया और यहाँ पर एक 100 बेड का हॉस्पिटल लोगों के सहयोग से बनाए, हमने अपनी बिल्डिंग दी है। अगर आगे भी कोई जुट पड़ेगी तब अभी और बिल्डिंग है वो भी खोलने को तैयार हैं और जो समाज से मदद होगी हम देने को तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। और जैन समाज में यही है, मानवता दिखाई है। हम तो और चाहते हैं और भी जो भी संस्था है उसको आगे बढ़कर आना चाहिए, जो इस आपदा की घड़ी में ये हमारे आपदा जिस तरह से आई उस तरह से निकल जाए। कोरोना जो उसका गति है जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे मरीज रेवाड़ी शहर में वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे प्राइवेट में सरकारी में जितने जहाँ जहाँ हमें जगह मिल रही है अस्पतालों में संस्थाओं में हम जगह से उसको मरीज़ को उसके हिसाब से बेड देने की कोशिश करते हैं कि उसका इलाज हो सके बिना विलम्ब की कोई दिक्कत ना पड़े। इसी कड़ी को आगे और मजबूत करने में हमने संस्थाएँ ढूंढी हैं 2 या 3 हमारे अपने रेवाड़ी में और जिसमें ये हमने सेंटर्स बना रहे हैं कोविड केयर सेंटर जहाँ पे जो माइल्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको सिर्फ सिंपल ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कुछ ऐसा एक्सट्रीम रिस्क फैक्टर नहीं है
और जो जीवन सर जो क्वालिफाई करेगा उस पेशेंट उनके लिए हमने ये एक प्रावधान किया है यहाँ। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी आज पूरी तैयारी है, तो मुझे लग रहा है हमने जो आज छोटी मोटी चीज़ें वो हम देख रही हैं सारी वो पूरी कर लेंगे। और आज शाम से हम कल सुबह से इसमें हमने एक कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं हमारे जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको सुविधा दे पाएंगे, ताकि मेरे रेवाड़ी की जनता को किसी किस्म की भी कोई इनकन्वीनियंस ना रहे इस बह के इस दुख भरे टाइम पे, हम मदद कर सकें उनकी और यहाँ के अपना उपचार। और अब खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ सेक्टर 7 थाना क्षेत्र के एक होटल में युवती की प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। और यहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक युवती बल्लभगढ़ के एक नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी। तो वहीं बताया जा रहा है कि मृतक के पिता नैनपाल का इस मामले में कहना है कि पवन पिछले एक साल से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और इस मामले में कई बार थाने में शिकायत भी दी, लेकिन फैसला भी हो गया, लेकिन यहां पवन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ये ओयो वाले बताएंगे या गवर्नमेंट बताएगी इनको परमिशन है या नहीं है? अच्छा, तो जो युवक और युवती थे वो अलग से आए हुए थे और कुछ लोग शादी के लोग भी यहाँ रुके हुए थे? शादी के लिए खुला हुआ था ये, युवती 3 बजे करीब आए थे यहाँ, 7:30 बजे पता लगा कि युवती अंदर मरी हुई है। अच्छा, कहाँ की है कुछ ऐसे अभी जानकारी? पलवल के आसपास की है वो दोनों, उनकी आईडी वगैरह थी, पुलिस वालों ने सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब ले गए पुलिस वाले, आईडी से उनको कॉल करके उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया लड़की के, वो आ गए रात को। तो लड़का क्या पकड़ लिया है? लड़का अभी रात को तो मिला नहीं था उनको। अच्छा, तो पलवल के कुछ ऐसा भी पुलिस कह रही है कि दोनों कहीं से भाग के आए थे या यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी होटल को बंद कर दिया गया है? नहीं, होटल वैसे ही बंद है, तो शादी की पहले बुकिंग थी, लॉकडाउन तो अब लगा है ना, तो बुकिंग तो करनी थी होटल वालों ने, होटल तो लॉकडाउन के चक्कर में बंद है। अच्छा, तो पुलिस आई थी यहाँ पर क्या कुछ पूछताछ कर रही थी, क्या जानकारी चुका रही थी? पुलिस वालों ने अपनी इंक्वायरी करी और चले गए अपने फुटेज वगैरह लेके, बॉडी को भी ले गए थे वो साथ ही। मामला हमारे पास सूचना मिली थी शाम को 8 बजे के आसपास, उन्होंने बताया था दिन में 3:30-4 बजे के आसपास एक लड़का एक लड़की ओए में रुके थे और वो लड़का 5 बजे के आसपास 5:30-5 बजे खाना भाई खाना लेकर जा रहा हूँ नीचे, खाने का बहाना करके वहाँ से निकल गया। जब 2-2.5 घंटे इन्हें हो गए ओए वालों को, वो लड़का वापस नहीं आया। इन्होंने कमरा चेक किया तो वो लड़की बेहोश अवस्था में थी। उन्होंने हमारे पास टेलीफोन किया, कंट्रोल को टेलीफोन किया, हमारे हम सूचना पाकर वहाँ पहुँचे तो देखा लड़की मर चुकी थी। तो उस टाइम फिर हमने इनके घर वालों से कॉन्टेक्ट किया, घर वालों ने बताया कि हम आ जाएंगे, तो देर रात वो आ गए थे, डेड बॉडी को वहाँ से उतार कर डीकेएम भेज दिया, आज उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। कहाँ की रहने वाली है लड़के का? ये कविता नाम की लड़की है, सोलडा गाँव की, और जो लड़का इसके पास रुका था वो है पवन, वो शेखपुर का है। सीसीटीवी देख रहे हैं उसमें किस टाइम उसकी एंट्री हुई, किस टाइम वो गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए एएनवी न्यूज़। नमस्कार।